हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनऑफ रेसिपीज। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक मुंबई रोड साइड का स्नैक बनाना, जिसे कहते हैं दाबेली। दाबेली जब मैंने पहली बार खाई तो मुझे काफी अच्छी लगी। अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट टाइम जो है दाबेली टेस्ट करी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप सभी के साथ शेयर किया जाए। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसकी रेसिपी जो है उसके लिए हमें तीन चार पोर्शंस में जो है इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसा कि पहला है ये दाबेली मसाला। दाबेली मसाला जो है उसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं। हम आज बनाएंगे घर में, लेकिन आप इसे अवेलेबल मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो आप इसका बॉक्स खरीद सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ घर पे बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 चम्मच ये धनिया है सूखा, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच मैंने दालचीनी ली है, 5 से 6 लौंग इस्तेमाल करेंगे, 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून यहाँ पर सौंफ इस्तेमाल करेंगे हम। इससे बनाएंगे हम दाबेली का मसाला। तो ये तो हुआ मसाले के इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा हमें चाहिए एक गार्लिक की चटनी और एक धनिया की चटनी, या फिर पुदीने की चटनी, कोई भी ग्रीन चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडीमेड भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। साथ ही मैंने कहा गार्लिक की चटनी चाहिए, तो गार्लिक की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 8 से 10 गार्लिक को बड़ा बड़ा काट लिया है। ये इमली का पल्प है तो 2 चम्मच यहाँ पर इमली का पल्प इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें, और बाकी पल्प को इस्तेमाल करेंगे हम आलू में डालने के लिए, जिसकी पैटीज बनाएंगे हम दाबेली में लगाने के लिए, दाबेली में। और साथ ही यहाँ लिए मैंने 4-5 सूखी हरी लाल मिर्चें, नमक इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून। दाबेली बनाने के लिए हमें चाहिए पाव, तो आप पाव किसी तरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो व्हीट फ्लोर के पाव ले सकते हैं। यहाँ मैंने ये तिल लगे हुए पाव लिए हैं, आप चाहे तो प्लेन पाव यहाँ पर या कोई भी पाव आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पाव को सेकने के लिए मक्खन का इस्तेमाल होगा। और तीसरा जो पार्ट है इंग्रेडिएंट्स का वो है जिसमें की जो दाबेली के अंदर फिलिंग होगी बन के अंदर, उसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ उबले हुए आलू है, ये 2 कप बॉइल्ड पोटैटोस को मैंने एकदम ग्रेट कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून शुगर इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। साथ ही ये सेव है, बारीक सेव, नायलॉन सेव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी फाइन होती है, जो भी सेव हो, या फिर कोई भी भुजिया नमकीन जो आप खाना पसंद करते हो वो इस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं फॉर श्योर। नारियल है ये सूखा नारियल, अगर आप फ्रेश नारियल इस्तेमाल करना चाहें उसे भी ग्रेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, 1/2 कप आप ले लें। 1/4 कप अनार के दाने हैं, फ्रेश अनार के दाने यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और मूंगफली है, 1/4 कप मूंगफली ली है, अगर आप मूंगफली कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी कम डाल सकते हैं, 1/4 कप कर सकते हैं या 1/2 कप डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून नींबू का रस, ये अमचूर की चटनी है, 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे इसे भी। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 3, 1 टीस्पून जीरा इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज है लगभग 1/2 कप के करीब, इसे इस्तेमाल करेंगे। साथ ही 1/4 कप ये हरा धनिया है। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं दाबेली का मसाला। सभी इन खड़े मसालों को डाल लेते हैं फ्राई पैन में, जीरा, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्चें और धनिया, इन्हें मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं जब तक कि इनमें से थोड़ी खुशबू ना आने लगे मसालों की, लगभग 2 से 3 मिनट इन्हें लगातार चलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। मसाले भून चुके हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और कुछ देर ठंडा होने देते हैं, लगभग 5 मिनट। सो आइए, अब ये भुना मसाला ठंडा हो चुका है, इसे भी पीस लेते हैं जार में डालकर और बना लेते हैं मसाला दाबेली का। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मसाला जो है वो पिस गया है। गार्लिक की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले गार्लिक को एक जार में ग्राइंड करके डाल लेते हैं, और साथ ही लाल मिर्चों को भी, और इसे हमें पीस कर चटनी बनानी है। इसमें डाल लेते हैं 2 टीस्पून ये इमली का पल्प, और साथ ही डाल देते हैं नमक 1/4 टीस्पून। इसे अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं फाइनल।
अगर ये थोड़ा अच्छे से फाइन पेस्ट ना बन रहा हो तो इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालें और इसे पेस्ट बना लें। अभी मैं वही करने वाली हूँ, इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड करते हैं। सो यहाँ चटनी को पीस लिया है, ये थोड़ी दरदरी रखी है मैंने, अगर आप चाहें तो इसको फाइन पेस्ट एकदम तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास तैयार है दाबेली मसाला, साथ ही गार्लिक की चटनी, हरी चटनी, धनिए की या पुदीने की कोई भी आप इस्तेमाल करें, पाव, पाव को भी सेक लेंगे बटर लगा के, लेकिन बाद में, उससे पहले हम तैयार करते हैं इसकी पैटी। तो सबसे पहले हम पैन में डाल लेते हैं 3 टेबलस्पून ऑयल, अब इसमें डाल देते हैं जीरा, 1/2 से 1 चम्मच आप इस्तेमाल करें। जीरा भुन चुका है, आइए इसमें डाल देते हैं उबले हुए आलू, साथ ही डालते हैं 1 टीस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून यहाँ डाल देंगे हम दाबेली मसाला, साथ ही में बचा हुआ सारा पल्प जो है टैमरिंड का वो ऐड कर देंगे। थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए अमचूर की चटनी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, फ्लेम को मीडियम पे कर दें और अच्छे से मिक्स कर दें एक बार। अब आलू में डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून डाला है यहाँ मैंने। अब इसमें डाल देते हैं चॉप्ड अनियंस, एक बार मिक्स कर लेते हैं। अनियंस का स्वाद अच्छा तभी आता है जब वो थोड़ा क्रंची हो, तो इसको मैंने पकाया नहीं है। अगर आपको क्रंची ऐसे अनियंस पसंद ना हो तो ऑयल में आप पहले अनियंस भूने उसके बाद आलू डालें। स्टोव को बंद कर देते हैं और आप इसे निकाल लेते हैं वापस से एक बाउल। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही धनिया, थोड़ा सा धनिया बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इसे कर लेते हैं मिक्स। इसी तरह से यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ इसमें मूंगफली भी, और इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे ताकि ऊपर से टॉप अप करें तो देखने में और कलरफुल और अच्छा लगे। तो अगर आप चाहें तो सारा भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरह से अनार डाल देते हैं और हम इसमें डाल देते हैं नारियल का चूरा। अब इसे एक बार एक ट्विस्ट देकर मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं गार्निशिंग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नारियल, मूंगफली और अनार, और साथ ही ये बनाया हुआ दाबेली का मिक्सचर, और उसके साथ सबसे जरूरी है यहाँ पर सेब। साथ ही रख लेते हैं गार्लिक की चटनी और हरी चटनी। अब बारी आती है पाव को सेकने की। पाव लेकर पाव पर लगा लें थोड़ा बटर, ज्यादा खाना पसंद करें तो जरूर ज्यादा लगाएं। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी हम इस पर थोड़ा बटर लगा देते हैं। इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा रेड कर लेते हैं, गोल्डन होने तक सभी बंस के हिस्से सेक लेते हैं। ये अच्छे से रेड हो चुके हैं, स्टोव को बंद कर देते हैं। अब बारी आती है फाइनली इसको डेकोरेट करने की, टेस्टी दाबेली को बनाने की, परोसने के लिए तैयार करने की। तो अब यहाँ पर 2 बंस लिए हैं मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। बन के एक हिस्से पर लगाते हैं गार्लिक चटनी। गार्लिक चटनी लगाने के बाद अब लेते हैं आलू का बनाया हुआ मिक्सचर और इसे रख देते हैं दाबेली मिक्सचर को यहाँ बन के ऊपर और थोड़ा दबा देते हैं कुछ इस तरह। जैसा कि मैंने कहा था इसे डेकोरेटिव बनाने के लिए थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं अनार ऊपर से कुछ इस तरह, दोनों पर थोड़ी सी मूंगफली और लगा लेते हैं, इस पर डालते हैं नारियल, थोड़ा थोड़ा धनिया लगाते हैं और अब इस पर डाल देते हैं सेब। फाइनली बन के दूसरे हिस्से पर लगाते हैं हरी चटनी और इसे ऊपर से रख देते हैं। ये हो गई हमारी दाबेली तैयार। इसी तरह से आप बाकी सभी दाबेली तैयार करें। सो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये दाबेली तैयार हो चुकी है। आप इसे सर्व करें गार्लिक चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ भी आप खाना पसंद करते हो। लेकिन ये खुद में ही इतनी चटपटी है कि आई एम श्योर चटनी की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी कलरफुल है और काफी मसालेदार भी है, चटपटी भी है। तो आई एम श्योर ये आप ट्राई करेंगे और आपको पसंद आएगी। इस आलू के मिक्सचर से आप बना सकते हैं लगभग 8 से 10 दाबेली आराम से तैयार कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।